एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल होने वाला है बांग्लादेश प्रोटेस्ट ऑन पीएम मोदी विजिट। सो ये एक मतलब कि देखते हैं वीडियो को और उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा ही सिनेरियो नज़र आ रहा है। क्योंकि सुनने में तो आया था कि मोदी जी जो बांग्लादेश गए हैं और वहाँ पर जो है वो विजिट करेंगे और एक दो चीज़ों को भी रेज करने वाले हैं, इश्यूज़ को। अब पता नहीं इसका पीछे क्या रीज़न है प्रोटेस्ट का, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे तो हमें पता चलने वाला है। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो चले स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज के समय गए हैं 2 दिन की विजिट पे टू द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। यहां पे आप देखेंगे ये ऐशा का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहां पे है बांग्लादेश। नाउ इस विजिट में हमने ये देखा है कि बांग्लादेश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट भी हुए हैं और अब तक ये बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है इन प्रोटेस्ट में, 50 से ऊपर लोग जख्मी भी हुए हैं। नाउ ये जो प्रोटेस्टर्स की मौत हुई है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कोई भगदड़ में मौत हुई है या फिर इंजरी से इनको गोली मारी गई है। एक्चुअली प्रोटेस्टर्स इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई जगह प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा थे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बांग्लादेश को बॉर्डर गार्ड्स डिप्लॉय करने पड़े आफ्टर एंटी मोदी प्रोटेस्ट। पुलिस से पूरी जो ये सिचुएशन है संभल नहीं रही थी, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है और फायरिंग की वजह से जो यहाँ पर 5 लोग हैं ये मारे गए हैं और सिचुएशन अभी भी बांग्लादेश में कंट्रोल में आई नहीं है। पथराव बहुत ही बड़े स्केल पे हो रहा है, लग रहा है कि लोग तैयारी में आए थे यहाँ पर और लोगों ने यहाँ पर पत्थर ऑलमोस्ट स्टोर करके रखे थे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्थिति है बांग्लादेश के कई बड़े शहरों में आपको दिखेगी, इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका। और सिचुएशन कितनी सीरियस है ये जानने के लिए आपको ये भी नोटिस करना होगा कि फेसबुक ने ये कहा है कि हमारी सर्विस रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है बांग्लादेश में। देखो प्रॉब्लम यह है कि आज के समय कई ग्रुप्स हैं, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स इन बांग्लादेश, ये लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और वेरियस और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसका यूज़ कर रहे हैं अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, और इसलिए फेसबुक ने कई जगह अपनी जो सर्विसेज है ये रोकी है। फेसबुक के जो ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर खुद बोला है कि हम काफ़ी हद तक कंसर्न हैं कि जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है फेसबुक को बांग्लादेश में प्रोटेस्ट को और बढ़ाने के लिए, लोगों को और भड़काने के लिए, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कई जगह फेसबुक की जो सर्विसेज हैं ये रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएँ। क्योंकि देखो यहाँ पर बड़ा इशू ये भी है, लोग तो इकट्ठा हो गए, प्रोटेस्ट तो कर दिया, मगर हम बार बार भूल जाते हैं कि हम इस वक्त एक पैंडेमिक के युग में जी रहे हैं। लोग जब इस तरीके से इकट्ठा होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कोरोना वायरस फैलने के जो चांसेस हैं ये भी काफ़ी ज़रा बढ़ जाते हैं। मगर जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में जो ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है पैंडेमिक से या फिर वैक्सीन से, उनको मेन यहाँ पर ये है अपना जो एजेंडा है वो आगे बढ़ाना है। और ये प्रोटेस्ट करवा कौन रहा है? देखो प्राइमरली बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है हिफाजत ए इस्लाम, ट्रांसलेशन आप कह सकते हैं द डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम, ये लोग ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं इन बांग्लादेश। नाउ बांग्लादेश में अभी के लिए आप अगर देखो तो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग जिसको आज के समय हेड कर रही है शेख हसीना जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जमात ए इस्लामी, इसको रिसेंटली बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक बैन भी कर दिया था और आज के समय ये इतना ऑपरेट करते नहीं है। तो जो ये हिफाजत ए इस्लाम है ये माना जाता है कि ये जमात ए इस्लामी के अंडर काम करते हैं और ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रो पाकिस्तान भी हैं। प्रो पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओवर द ईयर्स बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं जहाँ पर बताया गया कि इनकी जो फंडिंग है ये आती है पाकिस्तान हाई कमीशन से इन बांग्लादेश। दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि हिफाजत इस्लामी इतना ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है कि ये लोग ये भी कहते हैं कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने जेनोसाइड किया था इन बांग्लादेश, इस बात को अब उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर मिट्टी डालो, ये बस एक हिस्ट्री का पार्ट बन चुका है, ये बात हम उठाकर पाकिस्तान के साथ अपने जो रिलेशंस हैं ये ख़राब कर रहे हैं। ये एक्चुअली इनकी प्रॉपर एक डॉक्ट्रिन है जिस पर ये लोग काम करते हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं इस टॉपिक पर, बाय द वे मेरी एक वीडियो भी है ऑन वर्ल्ड अफेयर्स 1971 बांग्लादेश जेनोसाइड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, जिसमें 3 मिलियन मतलब कि 30 लाख लोग मार डाले थे पाकिस्तानी आर्मी ने
इन बांग्लादेश। तो हिफाजत इस्लाम ये कहता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को यूएन में नहीं जाना चाहिए, ये जो इशू है जेनोसाइड का ये रेस नहीं करना चाहिए। और ऑब्वियस ही बात है पाकिस्तान यही चाहेगा कि जो ये जेनोसाइड का चैप्टर है हिस्ट्री बुक्स में ये कम्प्लीटली मिट जाए और जो फ्यूचर जनरेशन है बांग्लादेशी सिटीजन की ये कभी भी ये ना जान पाए कि पाकिस्तानी आर्मी ने किस तरीके से जुल्म किया था इन पर इन 1971 और उससे पहले भी। आप अगर देखो ना जो हिफाजत इस्लाम है क्या ये रिसेंटली बनाया गया है, तो इसका आंसर है नहीं, ये बहुत लंबे समय से ऑपरेट कर रहे हैं सिंस 1971। और यहाँ पे आप देखेंगे द गार्डियन का आर्टिकल है, इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट है, ये यहाँ पर कह रहे हैं अपने 2013 के आर्टिकल में कि बांग्लादेश के रेडिकल मुस्लिम्स आज के समय इकट्ठा हो रहे हैं हिफाजत इस्लाम के अंडर। तो हिफाजत इस्लाम जो भी रेडिकल मुस्लिम्स हैं विद इन बांग्लादेश इनको इकट्ठा करता है, इनका मेन टारगेट यह है कि कैसे भी करके शेख हसीना की जो सरकार है इसको ये गिरा दे। और ये लोग काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी रहते हैं, आप जान के हैरान होंगे, जनरली आप जान के हैरान होंगे कि 2020 में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया एक स्टैचू का, क्या था कि बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में एक स्टैचू इंस्टॉल किया जाना था और शेख मुजीबुर रहमान को बता होगा द फादर ऑफ बांग्लादेश, इन्हीं की लीडरशिप में बांग्लादेश ने आज़ादी पाई थी फ्रॉम पाकिस्तान। ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी का भी यहाँ पर रोल था मगर इनको कहा जाता है बंग बंधु और इन्हीं के आइडियल्स पे आज के समय खड़ा है बांग्लादेश। और हाल ही में आपको बता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको दिया है महात्मा गांधी पीस प्राइज इन 2020, ये पीस प्राइज एक्चुअली डिलीवर किया है यहाँ पर 2021 में पीएम मोदी ने। तो फादर ऑफ नेशन का जो स्टैचू यहाँ पे इंस्टॉल किया जाना था इसको लेकर भी हिफाजत इस्लाम ने काफी प्रोटेस्ट किए और इनके चीफ को अरेस्ट भी करना पड़ा एक टाइम पर क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के आने से पहली बार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी ये काफी बार अराजकता फैला चुके हैं और बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं इन बांग्लादेश। और ऐसा नहीं है कि ये इंजॉय करते हैं बहुत बड़ी सपोर्ट विद इन बांग्लादेश, एवरेज बांग्लादेशी सिटीजन काफी मैच्योर है, वो समझता है कि इनका एजेंडा क्या है, इसलिए जो मेजोरिटी है बांग्लादेश में वो काफी हद तक पीस लविंग है, काफी हद तक पीसफुल है। ये ग्रुप जो आप कह सकते हैं माइनॉरिटी रेडिकल एलिमेंट्स है इन बांग्लादेश उसको रिप्रेजेंट करता है। सो आप समझ सकते हैं कि आज के समय ये इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो देखो पीएम मोदी यहाँ पर आए हैं बांग्लादेश में, उसके अलावा आने का रीजन क्या है, ये यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थ सेंटेनरी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने यहाँ पर गांधी पीस प्राइज दिया है शेख मुजीबुर रहमान की बेटी को, और उसके अलावा यहाँ पर ये गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। नाउ एक और बात यहाँ पर ये भी ऐड करनी होगी कि हिफाजत इस्लाम के जो आईटी सेल है इन्होंने बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोपेगेंडा भी फैलाया है अगेंस्ट पीएम मोदी, प्रोपेगेंडा इस टाइप का है। यहाँ पे आप देखेंगे अल जजीरा का आर्टिकल है, यहाँ पर बांग्लादेश के एक इस्लामिक लीडर कह रहे हैं कि जो इनकी सरकार है नरेंद्र मोदी की, इन्होंने कई लॉज पास किए हैं जिससे मुस्लिम सेकेंड क्लास सिटीजन बन गए हैं इंडिया में। ना हम सबको पता है जो बेसिक्स जानता है CAA के बारे में उसका कोई भी रिलेशन नहीं है इंडियन सिटीजन से। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि CAA NRC को लेकर भारत में ही बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई गई, कई मैं कहूँगा रेप्यूटेबल लोगों ने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई, जो माइनॉरिटी हमारे देश की उसको काफ़ी हद तक डराया। और यहाँ पे देखो प्रॉब्लम यह है कि आज के समय दुनिया है इंटरकनेक्टेड, इंटरनेट हर जगह है, तो बांग्लादेश के लोग भी ये पढ़ रहे हैं कि इंडिया में लोग क्या बात कर रहे हैं। अब इंडियंस को तो काफ़ी हद तक पता था, ज़्यादातर जो ये विरोध हो रहा है ये ओवरऑल प्रोपेगेंडा का पार्ट है, CAA NRC में कहीं भी इंडियन मुस्लिम की सिटीजनशिप उनके राइट्स के बारे में कोई मेंशन नहीं है, कोई वहाँ पे इम्पैक्ट उसका होगा नहीं, मगर जो फेक न्यूज़ है ये फैल गई बांग्लादेश में भी। और आज के समय वहाँ पर जो सेमी लिटरेट लोग हैं, जो थोड़ा बहुत जिनको बताया व्हाट्सएप से टेलीग्राम से या फिर कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो देख ली, वो ये मान के बैठ गए हैं कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं ये बन गए हैं सेकंड क्लास सिटीजन्स और अत्याचार हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए पीएम मोदी का विरोध करो। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त इन बांग्लादेश, इसके पीछे कई रीज़न है, मगर इन दी एंड यहाँ पर बांग्लादेश को ये देखना होगा कि क्या ऐसे जो ग्रुप्स हैं इनको ये फैले देंगे इन बांग्लादेश, या कहीं ना कहीं इन पर रोक लगाई जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि इनकी आइडियोलॉजी बांग्लादेश में ना फैले। अभी के लिए बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं AK अब्दुल मोमेन, इन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं ये एक स्मॉल माइनॉरिटी ने किए हैं, ओवरऑल बांग्लादेश की पब्लिक वेलकम करती है पीएम मोदी को और जो ये प्रोटेस्टर्स हैं दे डू नॉट वॉइस द कंट्रीज पीपल। सो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइज ये वीडियो थी जो कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बांग्लादेश में गए हुए हैं और वहां पर अब उनकी मौजूदगी में ये जो हालात बगैरत के बच्चे जा। सो गाइज ये वीडियो थी जिसमें बांग्लादेश में प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है कि काफी प्रोटेस्ट हो रहा है,
हाल ही में वीडियो भी आई थी प्रशांत धवन जी की के उसमें बताया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वहाँ पर विजिट पे भी गए हुए हैं, और उसी वीडियो से मुझे पता चला था कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बांग्लादेश गए हुए हैं। तो उसके बाद उसमें ये भी बताया गया था कि जो जेनोसाइड का इशू है जो कि यूएस जो है वो इस पे इसको रेज नहीं कर रही है इस इशू को, तो उस पे वो बातचीत भी करेंगे। तो इस चीज पे जो है माइट भी ये रीजन भी हो सकता है कि ये जो मेरे ख्याल से जमात सलामी कोई जो ये बता रहे हैं पार्टी, तो इन लोगों ने इस चीज पे इशू रेज करने की कोशिश की है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इनको पैसे भी देता है, तो शायद ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन यार पाकिस्तान के पास तो खुद के लिए पैसे नहीं है, वो तो खुद लोगों से पैसे लेते हैं, कभी चाइना से उधार ले रहे हैं तो कभी यूएस से ले रहे हैं तो कभी किसी से ले रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास इतना पैसा आता कहाँ से कि वो इन लोगों को दे अपनी कंट्री में लगाने के बजाय। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती है। लेकिन एक बात है कि ये प्रोटेस्ट जो हुआ है ये इससे साफ वाजह पता चलता है कि ये मोदी जी के आने से जो बांग्लादेश और भारत के जो रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है इन लोगों के रिलेशन अच्छे होना शायद इनको हजम नहीं हो रहा, और ये चाह रहे हैं कि इनके बीच में जो है वो लड़ाई फसाद होता रहे। और क्योंकि भारत का एक आज़ादी में भी बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत नहीं बहुत बड़ा रोल रहा है बांग्लादेश की, तो यकीनन इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं जो नहीं चाहती कि भारत और बांग्लादेश का एक अच्छा रिलेशन हो, तो इसलिए वो शायद इस चीज़ को प्रॉब्लम बना रहे हैं और इस तरह से फसादात करके दिखाना चाह रहे हैं कि हम मोदी जी के खिलाफ हैं या फिर हम नहीं चाहते कि वो हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इससे पहले कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ये जो हैं वो लोग हैं जो कि जैसे मौलाना यहाँ पर एक हमारे हैं, उनका भी एक मेरे ख्याल से वो भी जमात इस्लामी है, उसी से पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो खैर वो लोग भी इस तरह से यहाँ पर इशू रेज कर रहे होते हैं, फजूल में मतलब उल्टी पुल्टी हरकतें करते रहते हैं। तो सेम एज इट इज़ ये भी मुझे देखने को मिलता है। तो आई बिलीव कि ये जो सारा हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है, तो ये लोग नहीं चाहते कि इनकी कंट्री में सुकून हो, या फिर ये उस पार्टी के ऑपोजिट हैं जो कि आपको पता ही है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके खिलाफ होंगे कि वो हट जाएं या फिर मोदी जी से उनका रिलेशन अच्छा ना हो। तो मुझे तो यही लगता है, बाकी ओवरऑल कंट्री तो मुझे सेम ही लग रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई ये भारत बांग्लादेश हो, तो ये सेम टू सेम एक जैसे सेम कंट्रीज ही लग रही थी। बस ये कि बीच में बॉर्डर लगा दिया गया है तो अब दोनों डिवाइड हो गए हैं। तो बाकी 4 से 5 लोग जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि मर चुके हैं, ज़्यादा ही मरे होंगे, लेकिन इसमें 4-5 दिखाए, न्यूज़ में हमेशा कम ही दिखाए जा रहे होते हैं। तो ये जो लोग मरे हैं यार, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें जो पुलिस वालों ने मतलब कि इसमें अपना कारनामा दिखाया है, अब इसमें समझ ये नहीं आ रही कि ये प्रोटेस्टर की गलती थी या पुलिस की गलती थी या फिर क्या सिनेरियो था, क्योंकि ये तो वो लोग ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमें जो वीडियो में दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे यही लग रहा है कि प्रोटेस्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे या बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट यही आता है कि इनको जो है इस तरह से करके इन लोगों ने अपनी कंट्री में, अगर इनकी कंट्री में कुछ अच्छा होने को चाह रहा था, या फिर जैसे कि अवार्ड वगैरह का अवार्ड का फंक्शन हुआ था और इसमें इन्होंने अवार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उस सिनेरियो में इनको इस तरह का प्रोटेस्ट कर अपनी कंट्री का एक बार दोबारा से हाईलाइट कर दिया। जैसे कि आंदोलन हुआ था यहाँ पर भारत में, तो उस वक्त भी इन्होंने किसान आंदोलन में उन लोगों ने रंग में भंग डाल दी थी, तो सेम ये भी ये वाला काम भी इन लोगों ने ऐसे ही किया है, रंग में भंग डालने वाला। तो एनीवेज गाइज, आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बाकी ये है कि देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो प्रशांत धवन जी की कैसी होती है और क्या इसमें बताते हैं। तो काफ़ी इनकी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर आप
भी देखना चाहते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और रिएक्शन के लिए मेरे वीडियोस देखें और मेरा व्लॉगिंग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो लाजमी जाके मुझे सब्सक्राइब करें और व्लॉग्स देखें और बताएं कि आपको किस टाइप के व्लॉग्स पसंद हैं, तो हम उस पर व्लॉग बनाएंगे। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।